हेलो फ्रेंड्स, आई एम स्वाति सिंह। हम जो पहले टॉपिक पढ़ रहे थे, आज भी वही डिस्कस करेंगे। इसका थोड़ा सा पार्ट रह गया था, तो आज की वीडियो के अंदर मैं कवर कर दूंगी। तो हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? पहली बात तो असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन पढ़ रहे थे, मूल्यांकन एंड आकलन का। ठीक है, तो इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो आप चेक करना, उसके अंदर मैंने इसका मीनिंग, प्रिंसिपल, करेक्टरिस्टिक्स और इम्पॉर्टेंस वगैरह बता दी थी। लेकिन एजुकेशनल क्या, एजुकेशनल से क्या रिलेटेड इसकी इम्पॉर्टेंस है, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो इसके टाइप हैं वो भी डिस्कस कर लेंगे। मैंने टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे प्रीवियस वीडियो के अंदर, लेकिन आज वाली वीडियो के अंदर टाइप ऑफ इवेल्युएशन के जो ऐसे टाइप होते हैं, ओरल टाइप होते हैं, किन किन टाइप से हम इवेल्युएट कर सकते हैं, तो वो वाले टाइप डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि जो इवेल्युएशन है वो उसके टूल्स क्या है। देखिए, टूल्स क्या होते हैं आपको पता है ना? टूल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? औजार। ठीक है, तो आप इवेल्युएशन के टूल्स पूछे गए हैं, यानी कि मूल्यांकन के औजार, मूल्यांकन के टूल्स। टूल्स होता है कि जो हमारे लिए किसी चीज में, किसी चीज को इजी बनाने के लिए हेल्पफुल होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे ही सोचिए कि आपको इवेल्युएशन को जो इजी बनाए वो चीज़ें क्या हैं, वो टूल्स क्या है। तो लाइक मेथड्स, जो आपके मेथड्स होते हैं जिसके थ्रू आप इवेल्युएशन करते हैं बच्चे का एक प्रॉपर वे में, मेथड्स को यूज़ करके। मेथड आप क्यों यूज़ करते हैं इवेल्युएशन में? इसलिए तो यूज़ करते हैं ताकि आप मेथड्स के थ्रू बच्चों को प्रॉपर वे में एक इवेल्युएट कर सके और आपको ये पता चल सके बच्चे ने कितना अचीव किया है या कितना अचीव नहीं किया है मैंने जो पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसीलिए जो इवेल्युएशन होता है वो सारे आपके टूल्स हैं। बच्चों ने गूगल पे भी सर्च किया और बाकी जगह भी बुक्स वगैरह सर्च की, कहीं पे टूल्स नहीं मिले। तो इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइए प्लीज़। टूल्स, इट्स कॉल अबाउट अ मेथड्स। ओके, टूल्स और मेथड्स सिमिलर हैं। जो आपके मेथड्स हैं कि किन किन चीज़ों का आप यूज़ करके इवेल्युएट करेंगे बच्चे को, वही आपके टूल्स हैं जिसको हम मेथड्स बोलते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको कल प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि जो आपके मेथड्स हैं, किन किन मेथड्स से आप बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं। लाइक जैसे ऑब्जर्वेशन मेथड से कर सकते हैं, इंटरव्यू मेथड से कर सकते हैं, केस स्टडी के थ्रू कर सकते हैं, उसका एनेक्डोटल डाटा रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये सारे जो तकनीक हैं, जो मेथड्स हैं, वो ही आपके टूल्स हैं इवेल्युएशन के। ठीक है, तो उसमें प्लीज़ कन्फ्यूज मत होना, मैंने अभी आपको क्लियर कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि आकलन और मूल्यांकन, यानी कि असेसमेंट और एजुकेशनल के जो हम इवेल्युएशन के जो हमारे एजुकेशनल यूजेस हैं वो क्या क्या है। एजुकेशन असेस हम इवेल्युएशन क्यों करते हैं? एजुकेशनल पर्पज़ से ही करते हैं ना, कि हमें शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त हो सके। तो इवेल्युएशन का बेसिक जो हमारा एजुकेशनल उद्देश्य हैं, ऑब्जेक्टिव्स हैं, वो क्या है, वो डिस्कस कर लेते हैं। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इवेल्युएशन, मतलब इवेल्युएशन के शैक्षिक दृश्य से महत्व क्या है। ठीक है, फर्स्ट है फॉर स्टूडेंट, यानी कि शिक्षार्थी। तो शिक्षार्थी से क्या मतलब है? स्टूडेंट के लिए कैसे इवेल्युएशन का मतलब है? अगर आप बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं और फिर आप बच्चे को इवेल्युएट करते हैं, तो बच्चे को उसके लिए बहुत यूज़फुल होता है। वो आपके लिए तो यूज़फुल है ही है कि इवेल्युएशन, लेकिन उसके साथ साथ क्या है, बच्चे के लिए भी यूज़फुल है। बच्चे के लिए कैसे यूज़फुल है? बच्चे को खुद को नॉलेज होती है कि मैंने एक टॉपिक लर्न किया तो उसमें मेरे को 5 मार्क्स में से 3 मार्क्स मिले, तो कहाँ पे कमी रह गई। तो बच्चा खुद उसको रीड आउट करेगा कि कहाँ पे कमी रह गई, या राइटिंग के मार्क्स कट गए, या मैंने कोई सेंटेंस ठीक नहीं लिखा, या मैंने कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट उसमें मिस कर दिया। तो बच्चा खुद उसको चेक करेगा। ठीक है, फिर उसको अपने जो उसका रियल आंसर है जो उसमें बुक में है या टीचर के थ्रू बताया गया आपको, उससे मैच करेगा। तो स्टूडेंट के लिए भी एक प्रॉपर वे में इवेल्युएशन होता है, क्योंकि वहाँ पर बच्चा खुद का इवेल्युएशन भी करता है कि कहाँ पे कमी रह गई और मुझे कहाँ पे अच्छे से और ज़्यादा मेहनत करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि जो एक टीचर होती है वो सभी को एक प्रॉपर वे में टाइम नहीं दे पाती है, एक टाइम डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो थोड़ा मिसमैच हो जाता है, राइट। तो इसीलिए बच्चों को जब हम इवेल्युएट कर देते हैं प्रॉपर वे में,
तो बच्चे खुद को सेल्फ मोटिवेट करने के लिए खुद का इवैल्यूएशन करते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं कि मुझे इसमें या फिर यूनिट टेस्ट में इतने मार्क्स आए तो मुझे ईयरली या मंथली टेस्ट में अच्छे मार्क्स अचीव करने हैं, मेरे फ्रेंड के इतने हैं तो मुझे इससे आगे निकलना है। एक कॉम्पिटिशन जो होता है ना उसमें बच्चा अच्छा करने के लिए ट्राई करता है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन का जो इम्पॉर्टेंस है ये नहीं कि केवल टीचर्स के लिए हम इवैल्यूएट करते हैं, सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन की जो इम्पॉर्टेंस है वो बच्चे के लिए है, क्योंकि बच्चे को अगर हम इवैल्यूएशन के थ्रू ये बता सके कि आप अच्छा कर रहे हो लेकिन कहाँ कमी है, वहाँ पे प्रॉपर गाइडेंस दे सके या फिर प्रॉपर टूल्स या टेक्निक्स का यूज़ करते हुए आप कोई चीज़ बच्चे को सिखा सके तो वेल एंड गुड। तो इसीलिए सबसे बड़ा यूज़ जो है बच्चे के लिए एजुकेशनल से रिलेटेड वो बच्चे के लिए है, फॉर अ स्टूडेंट यानी कि शिक्षार्थी के लिए। सेकंड पॉइंट आता है फॉर अ टीचर, सेकंड पॉइंट आता है आपका फॉर अ टीचर यानी कि शिक्षक के लिए, ठीक है। अब शिक्षक के लिए एज अ टीचर के लिए इवैल्यूएशन का क्या इंपॉर्टेंस है, आई थिंक सो मुझे अब बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर ही लेते हैं कि टीचर के लिए क्या इंपॉर्टेंट है इवैल्यूएशन का। टीचर के लिए सबसे ज़्यादा इवैल्यूएशन का इसीलिए इंपॉर्टेंस है क्योंकि जब एक टीचर इवैल्यूएट करता है तो वो बच्चे को तो इवैल्यूएट कर ही रहा है, उसके साथ साथ वो खुद को भी इवैल्यूएट कर रहा है। वो खुद को कैसे इवैल्यूएट कर रहा है कि आपने कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ाया है तो बच्चों को वो कितना समझ आया है कितना समझ नहीं आया है, ये चीज़ आपकी स्किल्स और टेक्निक्स और मेथड को जज करती हैं कि आप उनकी टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव थी कितनी इफ़ेक्टिव नहीं थी, वो चीज़ आपको बताती है। क्योंकि बच्चे जितना अच्छा सीखेंगे या जितना अच्छा किसी चीज़ को करेंगे या लर्निंग जल्दी करेंगे तो इट मीन्स आपकी टीचिंग भी उतनी इफ़ेक्टिव है, आपने जो जिन टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ किया है जिन मेथड्स का यूज़ किया है वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो टीचिंग एड्स बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन अगर बच्चों ने एक प्रॉपर वे में लर्निंग नहीं करी है या फिर वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी आ जाती है या एक एक बार दो दो बार तीन तीन बार करने पर भी बच्चों को समझ नहीं आ रहा है तो इट मीन्स कि आपकी टीचिंग में कोई कमी है, आप प्रॉपर वे में उनको टीचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पे आपको क्या है अपनी टीचिंग की जो स्किल्स हैं उनको चेंज करना है, मेथड्स को चेंज करके देखना है, टूल्स को चेंज करके देखना है। तो वहाँ पे क्या है आप अपनी टीचिंग को भी और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बना सकते हो अपने आप को इवैल्यूएट करके, ठीक है। उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट है मैनेजमेंट, ठीक है। फॉर अ मैनेजमेंट यानी कि स्कूल निरीक्षकों के लिए वहाँ पे क्या होता है, अगर इवैल्यूएशन बच्चों का हो रहा है और उसी के साथ साथ टीचर का भी इवैल्यूएशन हो रहा है तो जो स्कूल का मैनेजमेंट है, जो स्कूल के इंस्पेक्टर हैं प्रिंसिपल हैं, उनका भी तो एक प्रकार से इवैल्यूएशन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ पता चल रही है कि अगर बच्चा किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल फिज़िकल एजुकेशन के आपके पीरियड्स होते हैं, ठीक है, तो बच्चा एथलीट में या किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा है तो इट मींस आपका मैनेजमेंट वहाँ पे बहुत अच्छा है, जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ वहाँ पे प्रोवाइड करवा रहा है कि बच्चों को प्रॉपर प्लेग्राउंड मिल रहा है या वो सारी चीज़ें मिल रही हैं, फुटबॉल वगैरह स्पोर्ट्स के जो भी जितने भी मटेरियल्स हैं वो आप उन्हें अच्छे प्रॉपरली प्रोवाइड करा रहे हैं। और जैसे कंप्यूटर क्लासेस होती हैं तो कंप्यूटर क्लासेस में बच्चा बहुत अच्छा लर्न कर रहा है अच्छे से, तो यानी कि आपके कंप्यूटर्स की जो स्किल्स हैं जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं और कंप्यूटर फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएट करती हैं कि बच्चा किसी भी फील्ड में अगर बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है या उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं पर कोई कमी देखने को नहीं मिल रही है, तो इट मींस कि आपका मैनेजमेंट उस तरीके से बहुत अच्छा है कि वो एक प्रॉपर वे में हर चीज़ को मैनेज करते हुए चल रहा है, क्या है वो करिकुलम से रिलेटेड हो या स्कूल की टीचिंग इट से रिलेटेड हो या इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो या फैसिलिटीज से रिलेटेड हो। तो इसीलिए स्कूल के मैनेजमेंट को भी इवैल्यूएट करता है हमारा जो इवैल्यूएशन है कि आप कितना अच्छे तरीके से करवा रहे हैं या आपको किस वे में और अच्छी करानी है। आपने ज़्यादातर देखा होगा MCD स्कूल्स, ठीक है, वहाँ पे क्या है प्राइमरी क्लासेस के लिए इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती है तो वहाँ के बच्चे क्या होते हैं इतना प्रॉपरली डेवलप नहीं हुए होते, इतनी ज़्यादा उनकी नॉलेज नहीं होती है जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं गवर्नमेंट के, उन एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट स्कूल उनकी जो नॉलेज होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, सबसे ज़्यादा वो इंग्लिश में ज़्यादा वीक रहते हैं क्योंकि उनको स्टार्टिंग से ही क्या है हिंदी में टीचिंग करवाई जाती है। बहुत अच्छे बच्चे जो शार्प माइंडेड होते हैं वो कहीं पर बहुत अच्छा स्कोर
कर जाते हैं इंग्लिश वगैरह में, और बाकी चीज़ें जो टेक्निकल होती हैं लाइक कंप्यूटर्स और ये सब, उनकी भी उन्हें ज़्यादा नॉलेज नहीं होती क्योंकि ये सारी चीज़ें वहाँ पर प्रोवाइड ही नहीं कराई जाती। उसके बाद जो गैजेट्स होते हैं उनका यूज़ करना या फिर को करिकुलम एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, वो चीज़ें उनके साथ ज़्यादा नहीं होती। वहाँ पे उनमें कुछ हेजिटेशन या नर्वसनेस होती है क्योंकि वहाँ पे भी जो MCDs और गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ पे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं होती, इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता मैनेजमेंट का कि आपको वहाँ पे टाइम टू टाइम करिकुलम एक्टिविटीज़ करवाई जाए या फिर बाकी चीज़ों में आपके ध्यान दिया जाए। वहाँ पे क्या है, सिर्फ आपको एजुकेशन से रिलेटेड ही आपका ज़्यादा फोकस रखा जाता है कि आपको पढ़ाई करवानी है, उसमें स्कोर करना है और मार्क्स कार्ड बना के दे देना है, बस बात खत्म। ठीक है, तो इसीलिए आपके इवैल्यूएशन के थ्रू आपका मैनेजमेंट का भी इवैल्यूएशन होता है एक प्रॉपर वे में कि अगर बच्चा हर फील्ड में या उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट हो रहा है या किसी भी चीज में बच्चा अच्छा स्कोर कर रहा है तो इट मींस आपका मैनेजमेंट बहुत अच्छा है, आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत अच्छा है जो एक बच्चे के प्रॉपर डेवलपमेंट में हेल्प कर रहा है या उसको ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें एक प्रोसेस में रखी गई हैं कि आपको किसी भी तरह की वहाँ पे कमी महसूस ना हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट था हमारा फॉर अ स्कूल मैनेजमेंट। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है हमारा फॉर अ गाइडेंस यानी कि अभिभावक के लिए। इसमें क्या होता है कि अगर आपको इवैल्यूएट मतलब बच्चे को इवैल्यूएशन किया जा रहा है, बच्चों का इवैल्यूएशन, तो बच्चों के इवैल्यूएशन से जो उसका गाइडेंस है, जो उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, जो उसका गाइडर है, उसके लिए भी हेल्पफुल होता है। अब उसका गाइडर कोई भी हो सकता है, या तो टीचर हो सकता है या प्रिंसिपल हो सकता है या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, अब उसके गाइडेंस को कैसे हेल्प होती है, जब बच्चे का प्रॉपर इवैल्यूएशन होता है तो उसमें हमें पता चलता है कि जिस टॉपिक को लेके या जिस एस्पेक्ट को लेके हम बच्चे का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो वो बच्चे ने कितना अच्छे तरीके से अचीव किया या अचीव करने में कोई कमी रह गई है। ठीक है, तो वहाँ पे गाइडर को भी अपनी कमी का पता चलता है कि मेरे गाइडेंस में कोई कमी तो नहीं रह गई, मैंने बच्चे को अगर किसी चीज़ से रिलेटेड कुछ गाइडेंस प्रोवाइड करी है तो वहाँ पे कोई कमी रह गई है या बच्चे में खुद सीखने में इंटरेस्टेड नहीं था या कुछ कोई कमी है। तो इसीलिए वहाँ पे गाइडेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है फिर गाइडर की कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम को फेस कर रहा है तो पहले उसकी प्रॉब्लम को डायग्नोस करे, फिर उसको रेमेडियल दे, अगर उसके बाद उसमें कोई टेक्निक्स में कमी है तो उसको शॉर्ट आउट करे, या फिर बच्चा किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं ले रहा है या उससे रिलेटेड उसके लिए कंटेंट नहीं है तो वो ऐसी चीज़ें लेकर आए जो चाइल्ड सेंटर्ड हो, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग हो, उसके लेवल के अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो जो फर्स्ट इंपॉर्टेंस बताई गई है एजुकेशनल से रिलेटेड इवैल्यूएशन की वो है फॉर अ गाइडेंस यानी कि अभिभावक के लिए। ठीक है, अब वो आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके टीचर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जो एक आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो इवैल्यूएशन का जो मतलब, किसी भी बच्चे को अगर हम इवैल्यूएट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि केवल बच्चे का ही इवैल्यूएशन हो रहा है कि उसकी स्टडीज से रिलेटेड हमें इवैल्यूएशन करना है, हमें बच्चे का ऑल ओवर इवैल्यूएशन करना होता है कि ताकि बच्चे के लिए प्रॉपर वे में बच्चे का जो डेवलपमेंट है, ऑल ओवर डेवलपमेंट, वो हो सके। ठीक है, तो ये एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थे, ज़्यादा नहीं थे, चार ही थे, तो इसको मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो हम करेंगे जो आपके एग्जामिनेशंस होते हैं, मतलब आप जो इवैल्यूएट कर रहे हैं वो कैसे कैसे कर सकते हैं। मतलब कल मैंने आपको टाइप ऑफ क्वेश्चंस बताए थे जो टू टाइप्स के थे, एक ओपन एक क्लोज। ठीक है, तो वैसे ही जो आपको इवैल्यूएशन करना है बच्चे का एग्जामिनेशन के थ्रू वो आप कैसे कर सकते हैं, एक ओरल एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं, एक रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, एंड ओपन और जो क्लोज है वो मैंने आपको बता ही दिया था, उसके अंदर ऐसे टाइप आपके वो सारे आ गए थे, तो अभी ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं छोटा सा पॉइंट। जो फर्स्ट पॉइंट है वो है ओरल इवैल्यूएशन। ठीक है, ओरल इवैल्यूएशन में क्या होता है कि आप बच्चे को ओरली इवैल्यूएट कर सकते हैं, कोई क्वेश्चनिंग करके, जिसमें आप बातचीत कर रहे हैं या बच्चे से क्वेश्चनिंग कर रहे हैं या किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, आप ओरली क्या है, बच्चे के साथ डिस्कस करके, बात करके, किसी भी चीज़ के बारे में एक अच्छे से कंक्लूजन पे पहुँच के उसको इवैल्यूएट कर सकते हैं। अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड, आपने मान लीजिए बच्चे को कोई टॉपिक पढ़ाया है
और आपको वो इवेल्युएट करना है कि बच्चे को कितना समझ आया है या कितना समझ नहीं आया, ओरली आपको इवेल्युएट करना है। तो आप कैसे कर सकते हैं, ओरली बच्चे को एक प्रॉब्लम में फंसा सकते हैं कि उसको एक प्रॉब्लम दे सकते हैं कि आप, मैं आपको एक प्रॉब्लम देती हूँ, आप इसको शॉर्ट आउट करके बताइए कि अगर आपके साथ ऐसी कंडीशन हो जाए या आप इस प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप कैसे उसको शॉर्ट आउट करोगे। तो बच्चा क्या है, ओरली आपको आंसर करेगा, ठीक है। वो हो गया आपका ओरल इवेल्युएशन। ओरल इवेल्युएशन में एक चीज़ है, इसके काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल भी है, मतलब मेरिट्स और डीमेरिट्स भी हैं, ज़्यादातर मेरिट्स ही हैं। मेरिट्स इसमें क्या हैं कि ओरल इवेल्युएशन में एक तो टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है ज़्यादा, आप इजीली क्या है बच्चे को इवेल्युएट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो बच्चे की हेजिटेशन होती है, लाइक मान लीजिए अगर कई बार ऐसे होता है कि बच्चा ना इवेल्युएशन के टाइम पे थोड़ा घबरा जाता है, ठीक है, आपको प्रॉपर वे में आंसर नहीं कर पाता है, तो ये डीमेरिट में आ गया कि जो बच्चे की हेजिटेशन होती है ना वो ज़्यादा बढ़ जाती है ओरल इवेल्युएशन में। वो आपको हो सकता है कि बच्चे को आंसर पता है लेकिन आपने एकदम से बच्चे को खड़ा कर दिया कि आप बताइए इस प्रॉब्लम को कैसे शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है, तो बच्चा वहाँ पे क्या है शायद नर्वस हो जाए, हेजिटेट हो जाए या अपने आपको प्रॉपर एक्सप्रेस ना कर पाए, तो वहाँ पे वो चीज़ आपकी डीमेरिट में आ जाएंगी। और इसीलिए बच्चों के लिए अगर रिटन एग्जामिनेशन रखा जाए तो वहाँ पे बच्चे अगर हेजिटेट भी हो रहे हैं ना तो उनको एक टाइम दिया जाता है, तो वो थोड़ी देर में या किसी भी तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस करके आंसर शीट पे आपको आंसर कर सकते हैं। लेकिन ओरली उनका हेजिटेशन जो होता है वो वहाँ पे टाइम गैप के अनुसार, क्योंकि इतना वहाँ पे टाइम नहीं होता है, आप पर स्टूडेंट को ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, वहाँ पे सिर्फ आपने किसी बच्चे को खड़ा किया और उससे कोई क्वेश्चन पुट किया तो आपको वहाँ पे 2 या 3 ही मिनट देते हैं, अगर उसने नहीं बताया आप उसे डांट देंगे या बिठा देंगे, फिर किसी और बच्चे को खड़ा करके आप उसका इवेल्युएशन करेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक डीमेरिट पॉइंट है। हाँ, इसका एक मेरिट ये है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है। ओरल को क्या है आप कैसे भी अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको ओरल इवेल्युएशन करना है बच्चे का और उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि क्लासरूम के अंदर पहले से कोई चीज़ प्री प्लान करके आए हो आप कि मुझे ये चीज़ की क्वेश्चनिंग कर रही है, लेकिन उस टाइम पे ऑन द स्पॉट वो चीज़ अप्रोप्रिएट नहीं होती है या आप नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको अपने अकॉर्डिंग क्या है मॉडिफाई कर देते हैं। वहाँ पे उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने क्वेश्चन चेंज कर देते हैं या फिर बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन चेंज कर देते हैं या नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है बढ़ा सकते हैं घटा सकते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं। ओरल में इतना नहीं है कि आप जैसे रिटन एग्जामिनेशन में होता है अगर 5 क्वेश्चन सेट किए गए हैं तो 5ों के आंसर्स क्या है बच्चों को करने होते हैं, आपको एक टाइम की लिमिट्स दे दी जाती है कि 2 घंटे में आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, ठीक है। लेकिन ओरल में क्या है इसका मेरिट पॉइंट कि ओरल एग्जामिनेशन के अंदर आपने अगर मान लीजिए पहले से सोचा हुआ है कि मुझे 10 क्वेश्चन इतने टाइम में पूछने हैं और बच्चों के डिस्कशन के साथ साथ थोड़ा टाइम कम रह जाता है या फिर किसी टॉपिक पे ज़्यादा डिस्कशन हो जाता है या कोई बच्चा ज़्यादा हेजिटेट कर रहा है, तो वहाँ पे आप क्वेश्चन को क्या है चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर ऑफ़ क्वेश्चन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन का जो एक जो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को मॉडिफाई किया है उसकी लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं, उसको इजी वे में बच्चों से पूछ सकते हैं, जैसे कहानी नुमा पूछ सकते हैं या एक्टिविटी के थ्रू पूछ सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ एक जैसे किसी क्वेश्चंस में एक हार्डनेस या जटिलता होती है कि आपने किसी चीज़ को बता दिया कि लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन क्या है तो ऐसे ही पूछना है, आप वैसे ना पूछ के उसको ब्लैक बोर्ड पे ड्रॉ करके बच्चों से पूछ सकते हैं कि ये चीज़ क्या है, तो बच्चे आपको अपने वे से एक्सप्रेस करके बता देंगे कि मैम ये लाइन सेगमेंट है या फिर ये पॉइंट्स है, ये क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स भी डिस्कस कर लिए अब हमने। अब बात आती है सेकेंड रिटन इवेल्युएशन की। सेकेंड पॉइंट है रिटन इवेल्युएशन, मतलब लिखित तौर पे इवेल्युएशन। अब ओरल का बिल्कुल अपोजिट। ओरल का अपोजिट कैसे होगा, ओरल में क्या था कि टीचर ने क्लासरूम के अंदर के जाने के बाद बच्चों से क्वेश्चनिंग करना स्टार्ट किया, ओरली बच्चों से क्वेश्चन पूछा और बच्चों ने आपको आंसर भी ओरली किया, ठीक है। उसका कोई आपके पास डाटा कलेक्शन नहीं है कि बच्चे ने क्या आपको आंसर दिया, वो थोड़े टाइम के गैप के बाद जब आपका पीरियड ओवर होगा नेक्स्ट टीचर का पीरियड लगेगा तो वो चीज़ कहीं गुम हो जाएगी, लेकिन
आपको इतनी नॉलेज मिल जाएगी उस ऑन द स्पॉट पे कि बच्चे को ये चीज़ समझ आई या नहीं आई, और नहीं आई तो आपको क्या चेंजेस करने हैं अपने टेक्निक्स में या अपनी टीचिंग स्किल्स में, जिससे बच्चे नेक्स्ट टाइम प्रॉपर वे में समझ सके, ये सारी चीज़ें। और रिटन एग्जामिनेशन में क्या होता है, रिटन इवेल्युएशन में एक आपके पास प्रॉपर डाटा कलेक्शन हो जाता है, एक डाटा कलेक्ट हो जाता है हर बच्चे का। अगर क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं तो आप जो क्वेश्चन पेपर सेट करोगे वो 20 बच्चों के लिए करोगे, सेम सेट्स होंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन भी सेम होंगे, और आप उसको इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते हो अपने वे में। जो आपने एक बार बना दिया, क्वेश्चन पेपर सेट कर दिया, तो बच्चों के लिए उसके आंसर्स करना कंपलसरी है। हाँ, ये बात हो सकती है वहाँ पर कि बच्चों को अगर आंसर नहीं भी आता है या टाइम कम है तो वो कुछ आंसर्स को स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप क्वेश्चन पेपर के अंदर कोई भी चेंज अपनी तरफ से फिर उसके बाद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है, और वहाँ पे एक मैरिट पॉइंट ये है कि बच्चे अपने आप को बिल्कुल फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं रिटन एग्जामिनेशन में, क्योंकि वहाँ पे बच्चों के लिए एक बाउंडेशन नहीं होती है, एक टाइम लिमिट नहीं होती है, क्योंकि 2 घंटे या 1.5 घंटा या 5 क्वेश्चन के लिए 4 घंटे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो बच्चे एक क्वेश्चन पे काफ़ी ज़्यादा टाइम फोकस करके अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी फीलिंग्स बता सकते हैं वहाँ पे, और एक बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है वहाँ पे, क्योंकि हर बच्चे की सोचने का तरीका, थिंकिंग, थॉट्स क्या डिफरेंट होती हैं, तो बच्चा अपने अनुसार, अगर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि वो थॉट्स पे डिपेंड करते हैं, तो बच्चा अपने अनुसार अपने थॉट्स को वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है, वहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं होती है, ये टीचर डंडा लेके सर के ऊपर नहीं खड़ी होती कि बताओ जल्दी से, नहीं तो मैं किसी और बच्चे से पूछूँ। वहाँ पे क्या होता है, पर्टिकुलर सबको सेम टाइम दिया जाता है, और बच्चे को एक टाइम लिमिट या बाउंडेशंस में नहीं बांधा जाता है, जिससे बच्चा अपने आप को प्रॉपरली एक्सप्रेस कर सकता है, बच्चे की क्रिएटिविटी बढ़ाई जा सकती है, वहाँ पे बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है, क्योंकि बच्चे ने अगर 4 क्वेश्चंस में से 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए और उसने 4th क्वेश्चन उसको आता नहीं है, उसको पता नहीं है, तो फिर वो जब एग्जामिनेशन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेगा, घर जाके चेक कर सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन स्किप किया है उसका आंसर क्या है, उसको लर्न करेगा कि नेक्स्ट टाइम ना आ जाए, ईयरली हाफ ईयरली में ना आ जाए। तो इसीलिए बच्चे को सेल्फ मोटिवेशन भी मिलता है, कि बच्चा खुद को मोटिवेट करता है कि हाँ मुझे इसका आंसर नहीं पता तो फटाफट से इसका आंसर मैं जान लेता हूँ कि क्या है, ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पहले से ही वेल प्रिपेयर्ड रहूँ, ठीक है। और रिटन एग्जामिनेशन में एक चीज़ और है कि रिटन एग्जामिनेशन में जो बच्चों के लिए एक क्वेश्चन पेपर की फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आप पहले से ही जो प्री प्लान, जो एक प्रिंट आउट या डाटा कलेक्शन और ये जो एक ब्लू प्रिंट रेडी करते हो वो पहले से ही आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स के अकॉर्डिंग होता है, और उसके अंदर आप पूरे जो एग्ज़ामिनेशन जिसका आपको कंटेंट का, जिसको आपको इवेल्युएट करना है प्रॉपर वे में, उसका आप पूरा इवेल्युएशन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका एक टॉपिक पे ज़्यादा फोकस हो जाता है, तो आप वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, या नंबर ऑफ़ क्वेश्चन टाइम के लिमिट के अनुसार रख देते हैं, तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछ पाते हैं वहाँ पे। तो ये पॉइंट भी इसमें डीमेरिट में आता है इसका रिटन एग्ज़ामिनेशन में, ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट जो आता है वो मैंने कल आपको बताए थे, एसे टाइप क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, उनके प्रिंसिपल्स, उनके डीमेरिट्स, मेरिट डिस्कस करने हैं, तो अभी वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।